स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों अभिनंदन की घर वापसी हो चुकी है। बीते रात अभिनंदन अपने वतन हिंदुस्तान वापस परत आए रहे ते हिंदुस्तानिया ने उन्हां दा शानदार अभिनंदन किया है। पर अभिनंदन की गिरफ्तारी तो लैके उन्हां दी रिहाई तक के दौरान बहुत सारिया तस्वीर बहुत सारिया वीडियोज़ बहुत सारे मैसेजेस वायरल होए हैं जो कि सरासर कितना कितने झूठे रहे ने। जे गल कर लिए अफवाहां रही ने क्योंकि सोशल मीडिया के जमाना है तो सोशल मीडिया के कुछ लोग अपने लाइक्स अपने जो फॉलोअर बढ़ाने के लिए इदा कुछ करते रहते हैं। तरह तरह तकनीक तरह तरह के काढ़ा कढ़ते रहते हैं जिस करके लोगों अंदर अफवाह भी फैलती जाती है। सो अजिहियां अफवाहों का सच तुहानूं दस्सांगे अज्ज तुहानूं दस्सांगे कि झूठ जिहड़े कि अभिनंदन दे नाल फैलाए गए सी ते किदां किदां उन्हां बारे की क्या गया सी। अभिनंदन ने गिरफ्तार होंदे ही एक कविता की पोस्ट जी सामने आती है जिहड़ा कि दस्या जाता कि अभिनंदन की भैन वालों एक कविता अपने भरा दे लई लिखी गई है। पर जदों इसकी पड़ताल की गई तो पता लग गया कि कविता किसी वरुण राम अय्यर की लिखी हुई है ना कि उसकी भैन की। इस तो बाद एक वीडियो होर सामने आया सी जिसका संबंध अभिनंदन जोड़ के उसकी पत्नी नाल दस्या जांदा सी क्या जांदा सी कि उस जिहड़े कि वीडियो उपर कैप्शन लिखे जाते तरह तरह के कैप्शन सामने आए सी। वीडियो उपर लिखा जाता सी कि वीडियो अभिनंदन की पत्नी का है तो अभिनंदन की पत्नी है कि भारतीयों नूं एक सुनेहा दे रही है। इस तो बाद अभिनंदन की गिरफ्तारी तो बाद पाकिस्तान वालों भी बहुत सारिया वीडियोज़ जारी की गई सन जिदे जे मकसद देख लीए तो कितने ना कि पाकिस्तान की वड्याई का मकसद से। उन्होंने तस्वीरों के भी अभिनंदन खुद पाकिस्तान की वड्याई कर रहे सन। इस सब के चलते अभिनंदन के पिता साबका एयर मार्शल वर्धमान का भी एक जिहड़ा कि मैसेज सामने आया सी। इस मैसेज में उन्होंने भारतीयों नूं धन्नवाद किया सी भारतीयों की जिहड़ा सहयोग दिता गया भारतीयों वालों अभिनंदन नूं जां उन्हां दे फैमिली नूं उन्हां परिवार नूं उहदे लई धन्नवाद किया सी। नाल ही अपने पुत्र की ठीक ठाक होने की कामना भी की सी। इस दे नाल ही उन्हें कहा सी कि मैनूं माण है मेरा पुत्र एक सच्चे सैनिक की तरह एक बहादुर सैनिक की तरह उसे डटिया होया है तो किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दित्ती। इस सब दे चलदे एक होर तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी जिस दे पड़ताल की गई तो सामने आया कि वह एक बहुत वड्डा झूठ है बहुत वड्डा फरेब है। दिलचस्प गल यह है कि तस्वीर पाकिस्तान दे विच वायरल हुई है। तस्वीर तुसी भी गौर नाल देखो कि इस तस्वीर दे विच एक बजुर्ग औरत रो रही है भावुक हो चुकी है तो टीवी स्क्रीन जो देख रही है उसके इमरान खान की तस्वीर आ रही है। इमरान खान कितने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आ रहे हैं वो तस्वीर आ रही है तो इस तस्वीर में जो सोशल मीडिया से वायरल किया गया तो कैप्शन लिखा गया कि अभिनंदन की माता वालों इमरान खान का धन्यवाद किया जा रहा है। वो मैसेज सुन के इमरान खान का बयान सुन के भावुक हो गए हैं कि उन्होंने पुत्र की रिहाई दी जा रही है। पर सरासर जी तस्वीर है झूठ निकलती है। पड़ताल के असं दसांगे किस तरह ये जी तस्वीर झूठ निकली असी पड़ताल के किवें पता लाया। इस तस्वीर में ध्यान ना देखो इस जो महिला रो रही है वह काफ़ी बुजुर्ग लगती है। पर तस्वीर के गल कर लिए भारतीय सोशल मीडिया की गल कर लिए तो जो तस्वीर अभिनंदन की गिरफ्तारी तो बाद उन्होंने माता दियां सामने आई सन उन्होंने मदर दियां तो जो तस्वीर सामने आई सन वह कितने भी इस बुजुर्ग औरत ना मेल नहीं खादियां। उम्र का तकाजा आया अभिनंदन की माता की उम्र नालों बुजुर्ग औरत काफ़ी ज़्यादा वड्डी लगती है। उस तो बाद जेकर आपां इन्हां दे पहरावे की गल करिए अभिनंदन दक्षणी भारती दा जिहड़ा कि निवासी है दक्षण भारत का रहने वाला है तो दक्षण भारत दियां औरतां इस तरह के कपड़े बहुत घट पहन दियां ने जां गल कर लिए पहन दियां नहीं। पर जेकर भारतीय हिस्से की गल करिए उत्तरी भारत के इदां दे कपड़े पाए जाते हैं ज़्यादातर जिसनों असीं पंजाबी सूट कहिंदे आ पंजाबी सूट है। पर पाकिस्तान के वड्डे हिस्से अजिहे कपड़े है कि औरतां पाउंदियां ने। सो कितना कितने ये भी स्पष्ट करती है कि तस्वीर है जिहड़ी कि अभिनंदन की माता की नहीं है। पर सब तो वड्डी गल उदों सामने आई उदों साफ हुई एक अहम तत्थ इस तस्वीर दे विच है कि जदों अभिनंदन की रिहाई की गल हुई सी तां पार्लीमेंट दे विच इमरान खान ने बयान दिता सी पार्लीमेंट दे विच रिहाई की गल हुई सी। पर यह माता यह बजुर्ग माता जिस तस्वीर नूं टीवी ते देख रही है उत्थे इदां लगता है कि इमरान खान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो ये पड़ताल के दौरान पता लग्या कि
ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ 1:27 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੇਨ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।